हमने इस दे मार वाज वाज दिस दैट और दीज दो सीखे थे। आज मैं आपको पूरा मिक्सअप करके सेंटेंस दूंगी और मैं आपको सिखाऊंगी भी उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वह आदमी है। ऐसे हमें पता चल गया, देखो ये प्रेजेंट का टेंस है। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आदमी की बात हो रही है तो ही बोलेंगे। इज आएगा क्योंकि है लगा हुआ है, ही इज और मैन, ही इज मैन। ओके, सेकंड है तुम शरारती हो, तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं। हॉ लग रहा है तो आर आएगा, यू आर। शरारती को बोलते हैं नॉटी, तो यहां लगा देंगे हम यू आर नॉटी। मैं डॉक्टर हूं, आय आएगा मैं के लिए, हूं आए हूं के लिए एम लगाएंगे और फिर जो बचा डॉक्टर वो लिख देंगे, आई एम डॉक्टर। वे चोर हैं। वे ये कौन सा वे है? इसमें इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, तो हम लगाएंगे दे, दे बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, दे आर। चोर को इंग्लिश में थीफ बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो थीफ, दे आर थीफ। यह लड़की है, लड़की के लिए हम ही नहीं लगाते, शी लगाते हैं, तो शी इज गर्ल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे वॉज वर वाले सेंटेंस है, ठीक है। वह गरीब था, तो वह के लिए ही लग जाएगा, था एक की बात कर रहे हैं, वॉज लगा देंगे। और बचा क्या अब? पुअर बचा, गरीब, गरीब को इंग्लिश में पुअर बोलते हैं, तो ही वॉज पुअर। हम व्यापारी थे, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। हम बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, तो वॉज नहीं वर लगेगा, वी वर। व्यापारी को इंग्लिश में मार्चेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर हम मार्चेंट लिख देंगे। बहुत सारों की बात हो रही है तो मार्चेंट लिख देंगे, ठीक है। तुम भिखारी थे, तुम के लिए यू लग जाएगा, बहुत सारे थे तो यू वर। बेगर बोलते हैं भिखारी को इंग्लिश में, बहुत सारे हैं तो बेगर्स। मैं चालाक थी, आई लगेगा, आई एक होता है तो वॉज लगा देंगे, आई वॉज। चालाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लेवर, आई वॉज क्लेवर। वे बूढ़े आदमी थे, वे को इंग्लिश में हम दे बोलते हैं, एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है तो वर लगाएंगे, देवर। बूढ़े, बूढ़े आदमी तो ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैन नहीं, मैम मैंस आएगा, नहीं बेटा देखो अगर सिंगल होता तो ए आता, अगर बहुत सारे आदमी है तो उनके लिए मैन एस लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको ई कर दो, पता चल जाता है हाँ बहुत सारे आदमी की बात हो रही है। अब ये दिस वाले सेंटेंस हम करेंगे। यह पेन है, दिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस। यह को इंग्लिश में दिस बोलते हैं क्योंकि यहाँ वस्तु की बात हो रही है, यहाँ किसी इंसान की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो दिस है के साथ इज लगा देंगे और पेन का तो पेन है, दिस इज पेन। यह खिलौना है, दिस इज, खिलौने को क्या बोलते हैं? टॉय। यह दरवाजा है, दिस इज डोर। यह अस्पताल है, दिस इज, क्योंकि अस्पताल एक है, एक ही अस्पताल की बात हो रही है तो दिस इज हॉस्पिटल।
ये है बाजार है दिस, एक बाजार की बात हो रही है, इज आ जाएगा दिस इज, बाजार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मार्केट, सो दिस इज मार्केट, ठीक है। ये हमारा जो है दिस वाले सेंटेंस है, तो ये मैंने आपको पूरे मिक्स करके बताया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो अब हम देखेंगे, हमने इज मार कर लिए, हमने वॉज वर कर लिए, हमने दिस कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगी दैट वाले सेंटेंस, ठीक है, और दीज वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है वह टीवी है, वह टीवी है, टीवी से हमें पता चल रहा है वस्तु की बात हो रही है, दिस दैट वाले सेंटेंस है ये दैट का सेंटेंस है। वह को इंग्लिश में दैट बोलते हैं, है के लिए इज लगा देंगे और टीवी को तो टीवी ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वह घर है, वह को इंग्लिश में दैट बोलते हैं, इज लग जाएगा दैट इज, और घर को होम या हाउस कुछ भी आप लिख सकते हो। वह मेज है, फिर से दैट आ जाएगा। तो वह मेज है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट इज टेबल। अब वह कुर्ता है, वह कुर्ता को वह के लिए दैट लग जाएगा। ये सारी चीजें देखो, सारी ही निर्जीव वस्तुओं की बात हो रही है, यानी कि उन, यानी कि इसमें से कोई भी इंसान नहीं है। दैट इज कुर्ता, कुर्ते को इंग्लिश में कुर्ता ही बोलते हैं, ठीक है। वह खिड़की है, दैट लगा देंगे, ठीक है। इज लगा देंगे, दैट इज, और विंडो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे दैट के। अब मैं आपको दीज वाले करा देती हूँ। दीज का क्या फॉर्मेट है, जिसमें बहुत सारी चीजें हो और वस्तुओं की बात हो रही हो और हमारे पास हो। तो ये कब लगाते हैं, जब चीज हमारे पास हो और बहुत सारी हो। तो ये के लिए सबसे पहले हम दीज लगाएंगे, दीज, बहुत सारी वस्तुओं की बात हो रही है तो यहाँ इज तो नहीं लगेगा ना, यहाँ आर लगेगा, दीज आर, बोतल आ जाएगा, बोतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉटल्स, ठीक है, बॉटल्स हो गया। ये तस्वीरें हैं, फिर से दीज लग जाएगा, दीज आर पिक्चर्स, पिक्चर वो तस्वीर को हम इंग्लिश में पिक्चर बोलते हैं, बहुत सारी हो जाएंगी तो क्या कर देंगे, पिक्चर्स, ठीक है। ये लाइटें हैं, दीज लगा देंगे, फिर से बहुत सारी हैं, आर लगा देंगे, दीज आर, और फिर लाइट्स, ठीक है। ये साइकिलें हैं, फिर से दीज लगा देंगे, आर लगा देंगे, दीज आर साइकिल्स, ठीक है। ये तार हैं, दीज आर, तार को इंग्लिश में वायर बोलते हैं, वायर्स। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 15 सेंटेंस, मुझे कराने हैं 25, मैंने करा दिए 25, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।